पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है वेंकटेश प्रभु कसूरी राजा की, जिनका जन्म 28 जुलाई सन 1983 में हुआ था। हम इन्हें धनुष के नाम से जानते हैं और धनुष की ये बाण से भी तेज चलने वाला स्टारडम सबको हैरान कर चुका है। It feels like as if half the bet is won, but you know it's still too early. ये फिल्म एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं, स्क्रीन राइटर हैं और प्लेबैक सिंगर भी हैं। Why this collaborative? याद है ना ये गाना आपको? Like I read the Twitter comments and I read the YouTube comments sometimes when I find time. And there are few comments which says no, it's not him, it's not his voice, he hasn't dubbed it. Somebody else has dubbed it because it's flawless. I think it cannot get better than that. धनुष की पहली फिल्म थी थलुवाधो इलामाई। इनके पिता कसूरी राजा ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। It would be my director. He had lot of pressure, he had lot of hurdles, and it was not easy for him to pull off this project. वंडरबार फिल्म्स के नाम से इन्होंने कंपनी की स्थापना की। धनुष की शादी हुई ऐश्वर्या से, जो कि रजनीकांत और लता रंगाचारी की बेटी हैं। इस शादी से इन्हें दो बेटे हुए, यात्रा और लिंगा। Of course, they watch my films. They're also very eager, just like their father, to watch this film. धनुष की पढ़ाई लिखाई हुई थाई साथिया मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल और शालीग्रामम में। सेंट जॉन्स मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में भी इन्होंने पढ़ाई की। जगह थी अल्बर्ट थिरुनगर और उसके बाद ये JRK मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल वादापलानी में पढ़ाई करने लगे। धनुष ने WWF के लिए भी काम किया और अर्थ आवर 2012 के लिए इन्होंने काफी योगदान दिया। There should be something for an artist to give there. हिंदी फिल्म रांझना में भी ये नजर आए थे और ये फिल्म भी जबरदस्त हिट साबित हुई थी। Very happy for that. God's been really kind and generous. We all really worked very hard for this film. यकीनन धनुष के चेहरे की मासूमियत, इनके डांसिंग स्किल्स और इनकी अभिनय क्षमता इन्हें एक सुपरस्टार बनाती है। I just want to be part of good films. If a good script comes my way, I might start shooting from next week. If it takes me another year to find a good script, I'll wait for a year and then I might do a Hindi film. महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।